राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी सभाओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गहलोत सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को देश की सबसे बेहतरीन मुफ्त इलाज योजना बताया है। वहीं राजस्थान के चुनावी दौरों पर आए राहुल गांधी बुधवार शाम को अचानक जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर मरीजों से प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही चिरंजीवी योजना को लेकर बातचीत की। कांग्रेस ने यह वीडियो जानबूझकर चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। बताया गया है कि यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा का है। राहुल गांधी भर्ती मरीजों के पास गए, चिरंजीवी योजना में उन्हें क्या क्या इलाज फ्री मिल रहा है उसकी जानकारी ली। इसी दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने चिकित्सकों से भी चिरंजीवी योजना को लेकर चर्चा की। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने अस्पताल दौरे को लेकर ट्विटर पर कई तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट किए और चिरंजीवी योजना को चमत्कारी योजना बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक मरीज की सीएम अशोक गहलोत से फोन पर बात भी कराई। जरा ये वीडियो देखिए, तब बाकी बात आपको आगे बताते। ठीक लग रहे हो, बड़े पॉजिटिव लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। शाबाश, घबराओ मत। मैं तो पहले से, बहुत पहले से सोच रहा था कि कभी टाइम मिले और गहलोत जी को मतलब आवाज व्यक्त करो, इतना बड़ा करना चाहते हो, बात करा। गहलोत जी नमस्कार। नमस्कार, मैं किसी से बात कराना चाहता हूँ। बोलिए सर। नमस्ते सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी अस्पताल से। मेरे बेटा भर्ती हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी योजना का लाभ मुझे चिरंजीवी के उससे मेरे बेटे का इलाज हुआ और मुझे बहुत फायदा हुआ जी। ये आपको और मुझे गांव बुला रहे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि आप और ये राहुल जी सर मतलब मेरे गांव आए और जितना भी मेरे से हो सके मैं आपका स्वागत कर सकूँ एक छोटे से गांव में। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम ही, क्या मतलब हमारे प्रदेश की पूरी जनता ही आभारी रहेगी आपके लिए। हम चाहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य नीति मतलब पूरे देश में ही लागू हो। ठीक है, धन्यवाद गहलोत जी। ये वो वीडियो है जिसे कांग्रेस ने जारी किया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीजों से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि चिरंजीवी योजना 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भारत की सबसे बेहतरीन योजना है। महात्मा गांधी अस्पताल में लाभार्थी मरीज और उनके परिवार खुद इस बात को मान चुके हैं, इस बात पर मुहर लगा चुके हैं। वो आगे लिखते हैं कि मोदी जी इसे कहते हैं गारंटी, तकलीफ में सहारा बनने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। देखना हो तो कभी आइए मारहे राजस्थान। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तस्वीरें साझा करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि चिरंजीवी योजना का चमत्कार आज खुद जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में पहुंचकर देखा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि किडनी ट्रांसप्लांट मुफ्त, लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त, कैंसर का इलाज मुफ्त, हृदय रोग का इलाज मुफ्त, डायलिसिस मुफ्त, ऑपरेशंस मुफ्त, इम्प्लांट्स मुफ्त। मरीजों और उनके परिवारों के चेहरे पर सुकून में इसका असर साफ दिखाई पड़ता है। भारत की सबसे बेहतरीन मुफ्त इलाज की इस पहल ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। ये लाइनें उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इस योजना में कवर की राशि को दुगुनी करने की बात कही गई है। 50 लाख रुपए किए जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट में आगे लिखा कि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है और हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि इस क्रांतिकारी इलाज योजना के लिए 25 लाख से बढ़ाकर इसे 50 लाख कर दी गई है। राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा इलाज राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस फिर से सदा चिरंजीवी राजस्थान। ये सारी बातें उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखी थी। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा कि राजस्थान की क्रांतिकारी चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की राशि और बढ़ा देनी चाहिए। आज इसे बढ़ाकर 50 लाख के मुफ्त इलाज की भारत की सबसे बड़ी योजना बना दिया गया है। अब राजस्थान में किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को बड़े से बड़े इलाज के लिए न घर बेचना पड़ता है, न कर्जा लेना पड़ता है, न गहने गिरवी रखने होते हैं। ये है कांग्रेस की गारंटी। वहीं राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री राहुल गांधी ने राजस्थान में चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। चिरंजीवी योजना राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। अभी इस योजना में 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाएगा। राजस्थान में मतदान से पहले राहुल गांधी के चिरंजीवी योजना को लेकर किए गए अस्पताल के दौरे को अब कई सियासी मायने
से देखा जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि जिस तरह से घोषणा पत्र में चिरंजीवी बीमा 25 लाख से बढ़कर 50 लाख किया गया है, उससे कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास है। आपको बता दें कि राजस्थान के गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की थी। इस साल के बजट में बीमा का कवर 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया था। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कवर को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। इस स्कीम के तहत हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को कवर दिया गया है। इसमें बीमारियों के 1633 प्रकार के पैकेजेस हैं, इसके प्रोसीजर्स हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। राजस्थान की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी तरह से तैयार है और बस 25 नवंबर को मतदान होगा सुबह से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 737 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 2018 के चुनाव में ये आंकड़े 830 के आसपास थे, यानी पिछले चुनाव में इस बार से 100 से ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवार घट गए हैं। वहीं 737 निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, उनमें बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को परिणाम। आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। कहा यह जा रहा है कि वोटिंग से पहले इस तरह के वीडियोस और उसके बाद घोषणा पत्र में इसका जिक्र निश्चित तौर पर वोटर्स को साधने का प्रयास है। लाजमी भी है क्योंकि चुनावी मौसम है और राजनीतिक दल यही करने के लिए राजनीति में उतरे ही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।